सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता और देश के कद्दावर राजनेता शरद पवार उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती सी दिख रही हैं। शरद पवार, उनके भतीजे अजीत पवार और उनकी पार्टी एनसीपी के कई नेताओं के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र की पुलिस ने FIR दर्ज की है। ये FIR कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के तहत दर्ज की गई है। 2007 से 2011 के बीच में कोऑपरेटिव बैंक्स के जरिए लोगों को जो कर्जे दिए गए, खास करके चीनी मिलों और कताई मिलों यानी कपास मिलों को, उन कर्जों को नियम को ताक पर रख करके, जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ा करके दिया गया और फिर वो सारे कर्जे डूबते चले गए। इस समय शरद पवार की सरकार रही और शरद पवार जो शिकायतकर्ता हैं, PIL जिन्होंने दाखिल की है सुरेंद्र अरोड़ा, उनके मुताबिक इसके मास्टरमाइंड शरद पवार हैं। लेकिन इस मामले को थोड़ा समझना ज़रूरी है। 2007 से 2011 के बीच में लगभग 1000 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर चीनी मिलों और कपास मिलों को दिया गया, महाराष्ट्र की कपास मिलों, चीनी मिलों को, और कोऑपरेटिव बैंक्स ने जिस तरीके से दिया उसका जिक्र मैंने किया। जब हो हल्ला हंगामा बहुत हुआ तो नाबार्ड ने, जो नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है, खेती और गांवों के विकास के लिए जो कर्जा देता है, नाबार्ड ने एक जांच शुरू की। जिस कमेटी को उसने बिठाया, उस कमेटी के पास कुछ न्यायिक अधिकार थे, लेकिन उस कमेटी ने क्या पाया? उस कमेटी ने ये पाया कि पूरा मामला जो है वो बेबुनियाद नहीं है, बल्कि घोटाला हुआ है और घोटाले में उसने उंगली उठाई शरद पवार और उनके पूरे परिवार की तरफ, पार्टी के उन तमाम नेताओं की तरफ, जिन नेताओं को बाद में आज की तारीख में FIR में आप देख रहे हैं। लेकिन उस कमेटी के आदेश के बाद भी, उसकी रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, FIR दर्ज नहीं हुई। कहा यह जाता कि शरद पवार की तूती बोलती है महाराष्ट्र में और उनके कहे बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता है। शायद इसी वजह से हाई कोर्ट में जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का जो DCP था, उन DCP साहब का नाम है श्रीकांत परोपकारी, तो श्रीकांत परोपकारी साहब ने कोर्ट को ये कहा कि इस पूरे मामले में कोई भी आरोप उन लोगों पर नहीं बनता है जिनको आप सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, यानी शरद पवार, अजीत पवार, विजय मोहिते पाटिल और बाकी जो नेता वहाँ के हैं। जांच से पहले पुलिस का अधिकारी अगर इस तरह की बात कोर्ट के सामने कहता हो तो आप समझ सकते हैं कि पवार और उनकी जो पूरी फौज है उसकी कैसी पकड़ है महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि प्राइमेसी जो बुनियादी तौर पर मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि घोटाला हुआ है, इन सब लोगों के ऊपर बेवजह आरोप नहीं लगे हैं, ये कहीं ना कहीं फंसे हुए दिख रहे हैं, इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इन्होंने कर्जे दिए हैं, लोगों के पैसे डूबे हैं, इसलिए आप जाँच कीजिए और जाँच के बगैर आपका यह बयान बेमानी है, आप बिना जाँच के कुछ भी नहीं कह सकते हैं, पुलिस का काम है अगर आरोप लगता है तो जाँच करेगी। लेकिन पुलिस का हवाला मैंने इसलिए दिया क्योंकि वहाँ के जो सरकारी महकमे हैं उन सरकारी महकमों के ऊपर शरद पवार का आज भी असर दिखता है या कहा जाता है कि आज भी है। खैर, अब एक दूसरी बात ये कही जा रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनावों के लिहाज से शरद पवार उनके परिवार को ऐन वक्त पर घेरा जा रहा है। यह बात बहुत पहले भी हो सकती थी क्योंकि नाबार्ड की जांच में इन सभी लोगों के ऊपर जो उंगली उठाई गई थी कहीं ना कहीं वो दुरुस्त पाई गई थी, लेकिन आगे पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की, जांच नहीं की, कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई अब हो रही है। समय को लेकर के आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि यह कार्रवाई तब हो रही है जब चुनाव राज्य में आ रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। मामला जो वहाँ पिटीशन लेकर के पहुँचे सुरेंद्र अरोड़ा, उन्होंने अपनी पिटीशन में ये कहा है कि ये 25,000 करोड़ का घोटाला है और इस घोटाले में हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, नाबार्ड की रिपोर्ट आई है, बहुत सारे दस्तावेज हमने लगाए हैं, बहुत सारी मिलों को जो कर्जे दिए गए हैं उनका आधार भी हमने दिखाया है, फिर देखिए कैसे आधार नहीं बनता है और जाँच क्यों नहीं हुई। तो अब जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, FIR दर्ज हो गई है, उस समय चुनाव हैं, तो आप जोड़ करके देख सकते हैं। कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो शरद पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सभी विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश की थी,
दो लोग, चंद्रबाबू नायडू और शरद पवार, इन दोनों लोगों ने रीढ़ बनने की कोशिश की थी विपक्ष को लामबंद करने के लिए। और शरद पवार ने एक बयान दिया था कि मोदी की जो मौजूदा सरकार है वो सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय आपदा है और इसका देश जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो लामबंद हो, एकजुट हो और सरकार को बाहर करे। तो लोकसभा चुनाव के ऐन पहले शरद पवार मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की जो तैयारी कर रहे थे, सबको एकजुट कर रहे थे, उसका नतीजा ये है कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, यह आरोप भी लगाया जा रहा है या यूं भी सियासी हलकों में बातचीत की जा रही है। लेकिन कानून तो कानून होता है। अगर 25,000 करोड़ का घोटाला है, इस घोटाले के दस्तावेजी सबूत हैं, नाबार्ड की जांच में इन लोगों के खिलाफ मामले पाए गए, तो फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगर FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद कार्रवाई होती है, बहुत मुमकिन है कि इनमें से बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन इसमें बुरा क्या है? हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के होंगे, उन चुनाव में महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक घोटाला और उस घोटाले में शरद पवार परिवार के शामिल होने की बात खूब जोर शोर से उछाली जाएगी। लेकिन अभी तो मामला ये है कि पवार, उनकी पार्टी और उनका परिवार तीनों सवालों के घेरे में हैं, कानून के शिकंजे में हैं, आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।